तो हरियाणा के बाद अब करते हैं बात हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार किरण खेर, जो दो बार यहां से सांसद रह चुकी हैं 2014 और 2019 में, उनकी टिकट काट दी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो चंडीगढ़ के लिए नया नहीं है। संजय टंडन इस बार किरण खेर की जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब किरण खेर का टिकट क्यों काटा गया और संजय टंडन को क्यों उम्मीदवार बनाया गया, ये जानने की कोशिश है बिग न्यूज बिग शो की ये दूसरी बिग रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। पहले फेज के चुनाव में अब चंद दिनों का ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहाँ से संजय टंडन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने फिल्म एक्ट्रेस और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से दो बार लगातार सांसद रह चुकी किरण खेर का पत्ता काट दिया है। खास बात यह है कि चंडीगढ़ में 10 साल बाद बीजेपी ने लोकल चेहरे पर दांव लगाया है। अब आपको संजय टंडन के बारे में बताते हैं। संजय टंडन लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से चंडीगढ़ के अध्यक्ष रह चुके हैं। 9 सालों तक संजय टंडन प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। 2007 में उन्हें चंडीगढ़ बीजेपी का महामंत्री बनाया गया था। संजय टंडन हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं। संजय टंडन पेशे से राजनीतिज्ञ हैं, मगर उनका बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। चंडीगढ़ लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन ने टिकट मिलने के बाद बीजेपी आलाकमान का आभार जताया और चंडीगढ़ लोकसभा सीट जीतकर पीएम मोदी की झोली में डालने की हुंकार भरी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को यहां पर चंडीगढ़ के नॉमिनी के तौर पे मेरे को मौका दिया है। मैं उसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय अमित शाह जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो चंडीगढ़ की सीट सबसे पहले जो 400 सीटों के अंदर हम उनकी झोली में डालेंगे और चंडीगढ़ को और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। संजय टंडन ने आगे ये भी कहा कि चंडीगढ़ के जो मुद्दे केंद्र में लंबित पड़े हैं उन्हें पूरा करने का काम किया जाएगा। चंडीगढ़ के कई मुद्दे जो हैं जो केंद्र स्तर के ऊपर लंबित हैं, जिसके लिए चंडीगढ़ के लोगों को बहुत आशा है कि उनके ऊपर बैठ के जल्द से जल्द उन पे निर्णय किया जाए, क्योंकि वो जो मुद्दे यहाँ से यूनियन टेरिटरी होने के नाते जो मुद्दे वहाँ लंबित हो जाते हैं, मेरा पहला प्रयास रहेगा कि उन मुद्दों को सॉल्व कराना। बता दें कि बीजेपी इस बार काफी सोच समझ कर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कर रही है। यही वजह है कि पार्टी काफी मंथन के बाद नामों की घोषणा कर रही है। यही वजह है कि इस बार किरण खेर का टिकट काटकर संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। काबिले गौर है कि साल 2014 में किरण खेर को चंडीगढ़ से पहली बार टिकट दिया गया था और जीत के बाद साल 2019 में किरण खेर पर फिर से भरोसा जताया गया था, लेकिन इस बार संजय टंडन को मौका दिया गया है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।